माय नेम इज मिनी सेटी। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट थ्योरी ऑफ सेकंड बेस्ट, जो किसने दिया, लिप्सी एंड लिंकास्टर ने। इस थ्योरी में लिप्सी और लिंकास्टर बेसिकली ये बताते हैं कि अगर आप पेरेटो ऑप्टिमैलिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाते तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है, द थ्योरी ऑफ सेकंड बेस्ट। देखो, अगर आपने पेरेटो की कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया और पेरेटो ऑप्टिमैलिटी को अचीव कर लिया, वो तो आपका फर्स्ट बेस्ट सोल्यूशन है। लेकिन मार्केट में कंस्ट्रेन है, मार्केट में प्रॉब्लम्स है, कोई पॉलिसी कंस्ट्रेन है, कोई प्राइस कंस्ट्रेन है, कोई रिसोर्सेज कंस्ट्रेन है, जिस कारण से आप पेरेटो ऑप्टिमैलिटी को नहीं अचीव कर पा रहे, तो आपके पास दूसरा सोल्यूशन भी है। ओके, तो यही दूसरे सोल्यूशन को उन्होंने थ्योरी ऑफ सेकंड बेस्ट के थ्रू समझाने की कोशिश कर ली। ओके, अब इसी बात को हम एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। वो क्या है, जैसे देखें, यहाँ पे हम एक्स गुड ले रहे हैं और यहाँ पे हम वाई गुड ले रहे हैं, और ये पीपी क्या आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। पीपी क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ओके, अब क्या है, जो पेरेटो ऑप्टिमैलिटी का पॉइंट है वो ये है। आईसी क्या आपका इंडिफरेंस कर्व, जो यहाँ पे सोसाइटी के वेलफेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस ई पॉइंट पे क्या है, पेरेटो ऑप्टिमैलिटी। ई पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पेरेटो ऑप्टिमैलिटी का। अब क्या है, हमारा फर्स्ट बेस्ट सॉल्यूशन तो क्या है, फर्स्ट बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, इस पॉइंट को अचीव करना। बट मार्केट में कुछ कंस्ट्रेन है, मार्केट में कोई पॉलिसी कंस्ट्रेन आ गया या कोई रिसोर्सेज कंस्ट्रेन आ गया। हम एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ ई पॉइंट पे अचीव करना चाहते हैं किसे, परफेक्ट कॉम्पिटिशन को, लेकिन मोनोपोली एज अ कंस्ट्रेन काम करे। मार्केट में मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन है, कुछ लोगों ने प्राइस और आउटपुट को कंट्रोल किया हुआ है, जिस कारण से हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन को अचीव नहीं कर पा रहे। हम अचीव तो ई पॉइंट को करना चाहते हैं, पेरेटो ऑप्टिमैलिटी को अचीव करना चाहते हैं, लेकिन मार्केट में एज अ कंस्ट्रेन है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। वो एज अ कंस्ट्रेन काम कर रहा है, जिसने प्राइस को और आउटपुट को कंट्रोल किया हुआ है, जिस कारण से हम इस ई पॉइंट को अचीव नहीं कर सकते। तो हमें निराश नहीं होना, हमारे पास एक सेकंड बेस्ट सॉल्यूशन भी है, वो इसे उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो सीसी है, ये आपकी कंस्ट्रेन लाइन है, आपका कंस्ट्रेन कर्व, आपका क्या है, ये सीसी क्या आपका कंस्ट्रेन कर्व है, जो मार्केट में प्रॉब्लम्स को बताता है। और यहाँ पे हमने कंस्ट्रेन का एग्जांपल किसे लिया, मोनोपोली को लिया। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, कुछ लोगों ने प्राइस को आउटपुट को कंट्रोल किया हुआ है, वो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहे, वो सोसाइटी को आगे बढ़ने नहीं दे रहे। ओके, तो ई तो हमारा ई तो पेरेटो ऑप्टिमैलिटी था, ये हमारा फर्स्ट बेस्ट सॉल्यूशन था, लेकिन मोनोपोली कंस्ट्रेंट के कारण हम इस फर्स्ट बेस्ट सॉल्यूशन को अचीव नहीं कर पा रहे। हमें निराश नहीं होना, हमारे पास सेकंड बेस्ट सॉल्यूशन भी है। अब देखें, ये आईसी क्या है, आईसी 1 2 3, आईसी इंडिफरेंस कर्व है, हायर इंडिफरेंस कर्व हायर सेटिस्फेक्शन को बताता है, वो हमें पता है। यहाँ पे ये आईसी सोसाइटी के वेलफेयर को बता रहे हैं, क्योंकि हम वेलफेयर इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो आईसी रिप्रेजेंट वेलफेयर ऑफ इकोनॉमिक्स। अब हमारा फर्स्ट बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, ई को अचीव करना, लेकिन मार्केट में कंस्ट्रेन है मोनोपोली, कुछ लोगों ने प्राइस को आउटपुट को कंट्रोल किया हुआ है, वो इसलिए हमारा जो वेलफेयर है वो इस लेवल पे आके रुक गया है, इकोनॉमी इससे आगे ग्रो नहीं कर पा रही, इकोनॉमी इससे आगे बढ़ नहीं पा रही। तो मैं निराश नहीं हूं ना, तो हमें एक सेकंड बेस्ट सॉल्यूशन को चूज करना है। वो सेकंड बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पे देखें, मान लीजिए हमारी इकोनॉमी इस लेवल पे है, आर लेवल पे है, ठीक है। अब इस कॉन्स्टेंट जो ये कंस्ट्रेन लाइन है, इसमें हम कहीं भी बढ़ सकते हैं। कितने पॉइंट है, ये सीसी क्या कंस्ट्रेन लाइन है, इस कंस्ट्रेन लाइन में हम कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन इससे आगे नहीं जा सकते, ठीक है। लेकिन इस कंस्ट्रेन लाइन पर हम कहीं भी जा सकते हैं, हम ए पर भी मूव कर सकते हैं, पी पर भी मूव कर सकते हैं और बी पर भी मूव कर सकते हैं। अगर हम ए और बी पे मूव करेंगे तो ये लोअर सेटिस्फेक्शन को बताते हैं, लोअर वेलफेयर ऑफ सोसाइटी को बताते हैं, क्योंकि इट्स लाई ऑन लोअर इंडिफरेंस कर्व, ए और बी के लोअर इंडिफरेंस कर्व पे है। तो हमारे लिए क्या है, जो पी है वो सेकंड बेस्ट सॉल्यूशन, सेकंड बेस्ट सॉल्यूशन। ई हमारे लिए पॉसिबल नहीं था अचीव करना, क्योंकि मार्केट में कंस्ट्रेन था, फिर हमने दूसरा ऑप्शन चूज कर लिया पी। पी क्या हमारे लिए फिजिबल है, इसे हम अचीव कर सकते हैं, और बस यही क्या आपकी सेकंड बेस्ट थ्योरी है। अगर आप किसी एक अल्टरनेट को अचीव नहीं कर पाते ड्यू टू सो मेनी मार्केट कंस्ट्रेन, तो आप दूसरे सेकंड बेस्ट सॉल्यूशन को चूज कर सकते हो। ई फर्स्ट बेस्ट सॉल्यूशन था,
जो पी है ऑब्वियसली वो फर्स्ट बेस्ट तो नहीं है, लेकिन वो सेकंड बेस्ट सॉल्यूशन है। अगर आपके लिए फर्स्ट बेस्ट अचीव करना पॉसिबल नहीं है ड्यू टू सो मेनी कंस्ट्रेंट, तो आप सेकंड बेस्ट सॉल्यूशन को चूज कर सकते हो, और यही आपको थ्योरी ऑफ सेकंड बेस्ट बताती है। आई थिंक आपको समझ में आएगा। थैंक यू।